नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में अखिल भारतीय सनातन समिति के तत्वाधान में 9 दिवसीय नवाह परायण एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारम्भ गुरुवार से जैतपुरा स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर के परिसर में हुआ। सायंकाल 7 बजे से पतालपुरी पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी द्वारा श्री राम कथा का प्रवचन होगा। कथा प्रारंभ के पहले प्रातःकाल गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा बागेश्वरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जो जैतपुरा, नागकुआ, डिगिया प्लांट, औसानगंज, चौराहा, राजापुरा, गोपाल बाग कॉलोनी, डिगिया होते हुए कथा स्थल माँ बागेश्वरी देवी के मैदान में आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में डमरू दल के नाविकों को द्वारा भव्य प्रदर्शन हुआ। महिला चुनरी तो पुरुष कुर्ता पैजामा पहने आगे आगे कलश लिए चल रहे थे, साथ ही महिलाएं पुरुषों व बच्चों के बीच बीच में प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए चल रहे थे, जिससे पूरा परिक्रमा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से गूंजयमान हो उठा। कथा के मुख्य यजमान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जायसवाल व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर पुष्पा जायसवाल अपने सिर पर रामायण पोथी रखकर प्रख्यात रामकथा मानस मर्मज्ञ पूज्य संत व पीठाधीश्वर पतालपुरी मठ काशी बालकदास जी महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों भक्तजन रामकथा का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से भैया लाल जायसवाल, जयशंकर गुप्ता, विष्णु गुप्ता, रवि प्रकाश जायसवाल, किशोर कुमार सेठ, वतन कुशवाहा, प्यारे साव, प्रमोद यादव, श्री प्रकाश जायसवाल, सुजीत कुमार, दिव्यांश गुप्ता, कमल कुमार सिंह, श्याम सुंदर सिंह, राजू वर्मा, अभय यादव, डॉक्टर गीता चौबे, नेहा जी, अनामका जायसवाल, ज्योति प्रजापति, पुष्पा जायसवाल, मदन यादव सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।